नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं आपके लिए जुलाई का मासिक फल या राशिफल लेकर। तो तुला राशि वालों के लिए, तुला लग्न वालों के लिए इस तरह से दिखती है ये कुंडली आपकी। अगर आपके पहले भाव में ऐसे 7 नंबर लिखा है तो इसका अर्थ हुआ कि आपकी जो है तुला लग्न है। अगर आपका जहाँ पर चंद्रमा है वहाँ पर 7 नंबर है तो आपकी तुला राशि है। दोनों के लिए ही ये वीडियो है। अंतर क्या होता है लगन में और राशि में, तो अंतर यही है कि चंद्रमा मनसो जाता, चंद्र हमारे मन को दिखाता है, एहसासों को दिखाता है, भावनाओं को दिखाता है, सुख दुख, हंसी खुशी गम, ये सब हम मन से महसूस करते हैं तो उसको दिखाता है। अगर कोई आदमी, जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बहुत अच्छी गाड़ी में जा रहा है, होंडा सिटी, मर्सिडीज, BMW, इस तरह की फरारी, और उसके बाद भी वो दुखी है, उसको एंजॉय नहीं करता है, उसे ये लगता है यार ये तो किसी काम की है नहीं, मतलब मुझे तो और भी अच्छी चाहिए, तो वो उसके चंद्रमा से जो चौथा भाव है, एक तरह से अगर D16 लें, मतलब गाड़ी का सुख वो नहीं उठा पा रहा है, हालांकि गाड़ी उसकी बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है। तो चंद्रमा हमारे मन को दिखाते हैं, नॉर्मली हमेशा ऐसा नहीं होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास है भी, उसको हाँ भाई मेरे पास ये है, जब कुछ आपका सक्सेस मिलती है तो आप खुश होते ही हैं, तो दोनों ही चीज़ें अक्सर मैच करती हैं, इसलिए दोनों से देखते हैं। लग्न बुद्धि के लेवल पर दिखाता है, इंटेलिजेंट के लेवल पर दिखाता है कि क्या होगा। तो अगर देखें कुंडली तो इस तरह की दिखती है। तो इस कुंडली में देखिए आपके जो ढैया चल रही है वो तो चल ही रही है, शनि इसी तरह से हैं, बहुत समय से हैं, 24 जनवरी से ही हैं कि वो आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, इसको शनि की ढैया बोलते हैं, पर ये यहाँ पर शश महापुरुष नाम का योग भी बन रहा है। दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि एक है दूसरा नहीं है, पर जिनकी राशि है उनके लिए ये ढैया है, जिनका लग्न है उनके लिए ढैया नहीं है, पर फिर भी शनि का गोचर चतुर्थ भाव में घर खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, उस चीज़ के लिए तो अच्छा है, पर आंतरिक सुख के लिए, व्यक्तिगत क्या बोल सकते हैं कि जब आदमी अच्छा फील करता है उसके लिए बहुत अच्छा नहीं है। थोड़ा सा कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ रहती हैं, चाहे वो वर्क हो चाहे बिजनेस हो, वो अच्छा चल सकता है क्योंकि आपकी दशा महादशा बहुत अच्छी चल रही हो, तो हो सकता है कि आपका समय अच्छा हो और आप इस ढैया को फील भी ना करें, पर अगर आपके शनि की राहु की इस तरह की दशा महादशा है और वो आपके जीवन में प्रॉब्लम ला रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो आपके जन्म कुंडली में अच्छे नहीं है, तभी इसको ज़्यादा फील आप करते हैं। अगर जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो आपको ढैया हो, ज़्यादा 7.5 भी हो तो उसको भी आप थोड़ा सा कुछ खास महसूस नहीं कर पाते हैं, तो जन्म कुंडली सबसे मेन है। पर ट्रांजिट में जो शनि का यहाँ बैठना है, घर गाड़ी बंगला खरीदने के लिए अच्छा है, कैरियर में मेहनत करके, प्लान बना के, बहुत ज़्यादा मेहनत करके थोड़ा लाभ दिलाएगी। खबर अच्छी आपके लिए ये है इस महीने कि आपके लग्न के स्वामी बकरी नहीं है, अपनी राशि में बैठे हैं अष्टम भाव में शुक्र और बकरी नहीं है। वो जब बकरी थे तो थोड़ा सा, जब भी लग्न का स्वामी बकरी होता है तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, चीज़ें थोड़ा रुक रुक कर होती हैं, चीज़ें थोड़ा ऑब्स्टिकल के साथ होती हैं, भले ही वो अपनी राशि में हो। यहाँ पर जो शुक्र हैं अष्टम भाव में बैठे हैं, अष्टम के ही स्वामी हैं, तो एक तरह का विपरीत राजयोग बना रहे हैं। इसका नाम है सरल नाम का विपरीत राजयोग। तो इसमें व्यक्ति को धन पाने का योग बनता है, अचानक से धन पाने का योग बनता है, जैसे कि आपका लॉटरी निकल आना, बीमे की रकम मिल जाना, या फिर शादी के बाद अच्छे घराने में शादी करना, इस तरह के योग यहाँ पे बनते हैं, या फिर शादी में आपको गिफ्ट ज़्यादा मिलना, इस तरह के यहाँ पे चांसेस बनते हैं जब यहाँ का शुक्र होता है। और अष्टम का स्वामी अष्टम में है तो अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रिसर्च, साइकोलॉजिस्ट, इस तरह के जो ऐसी विषय हैं जिसमें आदमी को डीप जाने की ज़रूरत होती है, उसमें इंटरेस्ट बढ़ता भी है, उसमें सफलता के भी चांसेस बनते हैं, समाधि मेडिटेशन उसके लिए भी अच्छा होता है शुक्र का यहाँ पर होना। ये लग्न के स्वामी हैं शुक्र, तो लग्न का स्वामी अष्टम में जा रहा है तो हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना होगा, खासकर जो ओल्ड एज पीपुल हैं उनको, क्योंकि भाई उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है और पहले से अगर कोई बीमारी है तो थोड़ा खास ख्याल रखिएगा। दूसरी जो खास बात है यहाँ पर, नई बात जो है कि मंगल जो है वो छठे भाव में आ रहे हैं। मंगल का छठे में गोचर अच्छा कहा गया, आपके शत्रु परास्त होंगे, जो लोग आपसे जलते हैं, जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, उनका कुछ ना कुछ इस तरह से होगा, या तो वो आपसे दूर हो जाएंगे या फिर उनका कुछ नुकसान भी हो सकता है, तो आपके शत्रुओं का नुकसान आपके लिए तो फायदे की बात हुई। हेल्थ का थोड़ा सा फिर भी ध्यान रखना होगा, अगर आपने कोई कर्ज ले रखा है तो उतर सकता है,
वो उतर सकता है और आप में हिम्मत रहेगी, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे आप, आपको भूख ज़्यादा लगेगी, इस तरह का चांसेस यहाँ पर बनता है। मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो नवम भाव पर पड़ रही है, वहाँ पर राहु बुध और सूर्य बैठे हुए हैं, तो पिता के साथ संबंधों में थोड़ा सा खटास आ सकता है, पिता के हेल्थ का, पिता जैसे लोग जैसे कि बॉसेस हो गए आपके, उनसे थोड़ा सा बना के रखें, उनकी बात को नकारे नहीं, अगर कोई बात होती है तो उसको बढ़ने ना दें, क्योंकि एक तो राहु वहाँ पर है, ऊपर से मंगल की दृष्टि आ रही है तो, और बुध भी वहाँ पर है, तो वाणी का खास ख्याल रखें, जब अपने गुरुओं से अपने से बड़ों से कुछ बातें कर रहे हैं तो उसमें वाणी का विशेष ख्याल रखना है। आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं, भ्रम बस बोल सकते हैं, क्योंकि राहु हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ गलत फहमी हो सकती है, और आप सही समझ के बोलेंगे पर वो बात गलत ले ली जा सकती है आपके बड़े अधिकारियों या आपके बॉस के द्वारा या आपके गुरुओं के द्वारा, तो इस बात का ध्यान यहाँ पर विशेष रखना है। अगर हम बात करें मंगल की सातवीं दृष्टि की, वो सीधी जाकर आपके बारहवें भाव पर पड़ रही है, एक्स्ट्रा खर्च आ सकता है, कोई खर्चा आ सकता है, लड़ाई झगड़े वगैरह में मना पड़े, हालांकि उसमें जीत आपकी होगी पर खर्चा उसमें तो होगा ही, टाइम भी वेस्ट होगा, इसका ध्यान रखना है। आपके सपने, नींद, जो व्यक्ति की नींद होती है, हो सकता है वो नींद थोड़ी सी उतनी स्ट्रांग ना हो इस महीने, क्योंकि ये बारहवां घर नींद को भी दिखाता है, बारहवां घर एडिक्शन को भी दिखाता है, मतलब कि लोग ऐसी चीज़ों पर खर्च कर सकते हैं जो ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल एक पाप ग्रह कहे जाते हैं, जैसे कि शराब, सिगरेट, एडिक्शन, इस चीज़ से बच के रहना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि इस पे खर्चा ना करें, किसी अच्छी चीज़ पे खर्चा करें तब फिर बुरी चीज़ पर खर्चा कम होगा, ऐसा कहा गया है, तो कुछ दान पुण्य करते रहें इस महीने खासकर। अगर मंगल की आठवीं दृष्टि की बात की जाए तो वो लग्न पर आ रही है, यहाँ हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है, कि लग्न पे सिर्फ मंगल की दृष्टि ही नहीं है, यहाँ राहु की दृष्टि भी लग्न पर है और शनि की दृष्टि भी लग्न पर है, तीन तीन मलेफिक्स की लग्न पर दृष्टि आ रही है, तो मतलब हेल्थ का ध्यान रखना है। हेल्थ का ध्यान कैसे रखें, देखिए एक तो खाना पीना अपना अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा सात्विक खाना, बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना, सुबह जैसे ही उठते हैं पानी पीना, एक्सरसाइज, योगा करना, उसके बाद सब्जियां, फल, फिर गरिष्ठ भोजन जो है वो थोड़ा थोड़ा खाना, पानी पीते रहना जैसा कि समर है, पानी का ध्यान रखें कि वो साफ़ सुथरा हो, इसके साथ साथ मन से खुश रहना, पॉजिटिव रहना, ये भी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए कोई मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं आप, भगवद गीता पढ़ सकते हैं, कोई अच्छी किताबें पढ़ते रहना, तो मतन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ बुद्धि, लग्न सिर्फ स्वास्थ्य नहीं है, आपकी बुद्धि भी है, मतलब बुद्धि थोड़ी सी भ्रमित हो सकती है, आपको थोड़ा सा ये हो सकता है कि भाई आप सही निर्णय ना ले पाएँ, इस तरह की यहाँ पे संभावना है, तो अगर कोई बहुत बड़ा निर्णय लेते हैं तो उसमें किसी एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं, या फिर दो चार लोगों की राय ले सकते हैं जो आपको लगता है कि उस चीज़ को जानते हैं, क्योंकि फिर उनका भाग्य भी उसमें शामिल होता है एक तरह से, अगर किसी के गुरु बहुत अच्छे हैं तो उस व्यक्ति की राय अक्सर सही होती है, इस तरह कहा गया, उसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, तो अगर आपका हितोषी है तो आप उसकी राय ले जा सकती है, ले सकते हैं। यहाँ पर एक बात है कि बुद्धि में और इंट्यूशन में, इंट्यूशन तो आपकी भी थोड़ी सी अच्छी है इस महीने के लिए, पर जो बुद्धि से जो आप निर्णय लेंगे उसमें आप किसी की राय अवश्य लें, इंट्यूशन अच्छी इसलिए कि गुरु जो हैं वो अपनी ही राशि में तृतीय भाव में बैठे हुए हैं केतु के साथ, और गुरु केतु दोनों ही इंट्यूशन को दिखाते हैं, मतलब जो गट फीलिंग होती है ना, क्या हो सकता है, जो आदमी को महसूस होता है, वो चीज़ें आपकी सही ज़्यादा होंगी बजाय उनके जो कि आप सोच के, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इंट्यूशन को आप थोड़ा भरोसा ज़्यादा कर सकते हैं इस महीने, और जो आप इंटेलिजेंट के थ्रू जो निर्णय ले रहे हैं उसको आप रीचेक अवश्य करें, कन्फर्म अवश्य करें। 12 तारीख तक कोई कम्युनिकेशन है, कोई राइटिंग है, कुछ लिखना है, खास करके अपने बॉस से, अपने पिताजी से, अपने से जो सुपीरियर हैं उससे, या पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ज़्यादा ध्यान से, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ, और चेक करने के बाद करें उसे आराम से। क्यों? क्योंकि जो बुध हैं वो बकरी हैं और 12 तारीख तक बकरी ही रहेंगे, और नौवें भाव में है जो उच्च शिक्षा का भाव है, उच्च शिक्षा का भी भाव है, गुरु का भी भाव है, एक तरह से बॉसेस का भी भाव होता है ये, क्योंकि आपके बॉस एक तरह से आपके गुरु ही हुए, सिखाते हैं, आप उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं,
तो इस बात का ध्यान रखें कि बुध बकरी हैं 12 तारीख तक। वैसे भी आपका इस घर में ग्रहण पड़ा है अभी 21 तारीख का, तो पिता के साथ ग्रहण का असर बाद तक रहता है, कई बार तो कहते हैं एक एक महीने तक रहता है, पर एक दो हफ्ते तो रहता ही है। तो पिता के साथ, गुरुओं के साथ, आपके जो सुपीरियर हैं उनके साथ संबंधों को थोड़ा मिठास बना के रखिएगा। यात्रा करते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब लंबी यात्रा अगर करते हैं तो अपना थोड़ा यात्रा करते वक्त विशेष ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें शनि की, हमने बात की चौथे घर में शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो मंगल पर पड़ रही है, मतलब यहाँ पे इस महीने एक खास बात होगी कि थोड़ा सा आलस्य ज़्यादा लाएंगे शनि, आपको एक्शन से रोकेंगे, कुछ इस तरह की बात कहना चाहेंगे कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, और बहुरे कहू कर लीजो उम्र पड़ी है बरसों, या फिर इस तरह का कि भाई अभी तो जॉब नहीं लगा तो क्या काम करें, अभी तो ट्राई करें, अभी तो कुछ हुआ नहीं है, करने कोई कुछ नहीं है, तो ये सब एक्सक्यूज हैं, करने को बहुत कुछ है। अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं आप, अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, कुछ ज्ञान अर्जन कर सकते हैं आप, जिस चीज़ के लिए तैयारी करें उसकी, उससे संबंधित किताबें, उससे संबंधित चीज़ों को बढ़ा सकते हैं आप, और नहीं तो और अपनी, आप अगर बच्चे हैं तो स्टूडेंट्स, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अपनी पत्नी की, बच्चों की, उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको कुछ सिखा सकते हैं, मतलब कर्म करते रहना है। इसके साथ साथ चूंकि बहुत सारे ग्रह बकरी हैं तो ये शुभ समय किस चीज़ के लिए है, सोच विचार के लिए और कंस्ट्रक्टिव सोच विचार के लिए कि हाँ भाई ये गलती हुई थी तो किस वजह से हुई थी, तो इसको कैसे समझना है, आगे किस तरह से करना है, क्या क्या स्टेप हो सकते हैं, इन स्टेप्स में क्या गलती हो सकती है, अगर ये गलती हो सकती है तो इसको दूर करने का तरीका कौन सा है, फिर पूरी प्लानिंग के बाद अगर आप काम करते हैं सोच कर रीथिंकिंग के साथ तो फिर उस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। शनि की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके कार्यभाव पर पड़ रही है, फेम पर पड़ रही है, आपकी कह सकते हैं कि कर्म पर पड़ रही है, तो कर्म में शनि जो हैं जितनी मेहनत करेंगे, जितने प्लानिंग के साथ करेंगे, जितनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप निभाएंगे उतना शनि आपको साथ देंगे। लंगड़े लूड़े लोग, अंधे लोग, बूढ़े लोग, इस तरह के लोग जो जिनको लोग समझते हैं कि गरीब हैं, नीचे दर्जे के हैं, उनकी जितनी भी आप सहायता कर पाएंगे, फिजिकल हेल्प कर सकते हैं आप, मेंटली उनको कुछ हेल्प कर सकते हैं, या फिर धन से भी हेल्प कर सकते हैं, जैसी आपकी संभावनाएं हैं, पर दिल से उनके लिए आप अच्छा चाहेंगे और कुछ हेल्प करेंगे तो ईश्वर भी आपकी हेल्प अवश्य करेगा। यहाँ से जो शनि की दसवीं दृष्टि है वो लग्न पे आ रही है, तो चीज़ें उतनी जल्दी तो नहीं होंगी जैसा आप चाह रहे हैं, पर होंगी ज़रूर और कुछ ना कुछ लाभ भी होगा, पर चीज़ें थोड़ा देरी से होंगी ये तो है, क्योंकि शनि थोड़ा रोक के रखेंगे। पर एक बात है कि जब समय थोड़ा सा डिफरेंट होता है, समय थोड़ा सा टफ होता है, जब चीज़ें नहीं होती हैं तो व्यक्ति प्रयास ज़्यादा करता है, जब प्रयास ज़्यादा करता है तो सीखता ज़्यादा है, इधर उधर से ज्ञान ज़्यादा अर्जित करता है, क्योंकि जब मुसीबत में होता है तो फिर ये करो वो करो, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, उसका दिमाग भी ज़्यादा चलता है, फिजिकल भी ज़्यादा वर्क करता है, और एक तरह से उस ईश्वर की तैयारी होती है उसकी आगे के लक्ष्य के लिए, कि जब व्यक्ति कुछ मजबूत होगा, चीज़ों को जानेगा, सब कुछ समझेगा, प्रेशर हैंडल करना भी सीखेगा, ये सब बातें उसको आएंगी तभी वो आगे बढ़ पाएगा। इसलिए कठिन समय में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि वही समय होता है जब लोग वास्तव में बनते हैं, मजबूत होते हैं, फिर जब अच्छा समय आता है तो फिर उसका रिजल्ट आता है, क्योंकि आपने ये सब सीख लिया, ये सब जानते हैं, और फिर ग्रह जब आपका फेवर कर रहे होते हैं तो फिर आप फटाफट से ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ते हैं। अब जो गुरु तृतीय भाव में बैठे हैं पराक्रम के लिए बहुत अच्छे हैं, भाग्य के लिए भी अच्छे हैं, जितना पराक्रम करेंगे उतना भाग्य आपका साथ देगा। यहाँ से गुरु की दृष्टि पंचम पर पड़ रही है और ग्यारहवें भाव पर पड़ रही है, तो मतलब कि शादी के लिए पंचम, अपनी पंचम दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर पड़ रही है, मैं ये कहना चाहता था, और जो सप्तम दृष्टि है नवम भाव पर, नौवीं जो दृष्टि है वो ग्यारहवें भाव पर पड़ रही है। तो जो पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं बिजनेस के लिए अच्छा है, बिजनेस बढ़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, काम बढ़ेगा, हालांकि मेहनत ज़्यादा करनी होगी, पर जब काम बढ़ेगा, मेहनत ज़्यादा करेंगे, सीखेंगे, और कुछ ना कुछ इच्छाओं की पूर्ति भी होगी, जो आपकी इच्छाएँ रही हैं। अब वो इच्छाएँ हो सकती है आपकी कि भाई आपको का अगर आपकी एज कम है या फिर ज़्यादा एज है तब भी कि भाई आपको आपका प्रेमी मिल जाए,
कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको प्रेम करे, तो वो इच्छा पूरी हो सकती है, या प्रेमिका मिल जाए, आपकी शादी हो जाए, वो भी एक इच्छा है, तो उसके भी यहाँ पर चांसेज हैं। और ये भी इच्छा हो सकती है कि भाई आपके घर में कोई नन्ना मेहमान आ जाए, या फिर आप कोई घर खरीदें या इस तरह अपने लिए, तो उनकी इच्छाएँ पूर्ति होने का यहाँ पर इंडिकेशन है। गुरु जो है काम भाव में है। अब ये डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली पर कि ये जो गुरु हैं क्या आपके गुरु के ऊपर से ही तो नहीं जा रहे, तब बहुत अच्छी बात हो गई, या फिर ये गुरु आपके सूर्य के ऊपर से जा रहे हैं तब भी बहुत अच्छी बात हो गई। तो इस तरह से कुंडली को देख के थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सही कहा जा सकता है। पर ट्रांजिट के रूप में ये है कि आदमी के अंदर इच्छाएँ रहेंगी, महत्वाकांक्षाएँ होंगी, बहुत कुछ करना चाहेगा, मेहनत भी बहुत करेगा, उसमें से कुछ इच्छाएँ पूरी भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्या दशा महादशा चल रही है। अच्छी महादशा दशा चल रही है तो बहुत सारी इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं, और कोई व्यक्ति बहुत बड़ी सफलता भी कर सकता है। पर अगर ऐसा नहीं है तो ये साल थोड़ा सा मेहनत करते रहने का है, सीखते रहने का है, ट्राई करते रहने का, और जब आप ट्राई करते रहेंगे ना कुछ इच्छाएँ भी पूरी होंगी और सफलता भी मिलेगी और आपका प्रमोशन भी होगा, और अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो वो नौकरी भी मिल सकती है। अगर आप सिर्फ कुंडली के भरोसे सोच रहे हैं और कर्म नहीं कर रहे हैं तो इससे 100% बात है कि आपकी कुंडली में भी कुछ ना कुछ योग जरूर हैं, तभी तो आप प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। जो लोगों की अच्छी कुंडली होती है वो तो अक्सर, उनमें से बहुत सारे लोग नहीं दिखाते कुंडली, क्योंकि वो इतने मेहनती होते हैं कि उनको लगता ही नहीं है कि उनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, और फिर उनका भाग्य साथ देता भी है क्योंकि उन्होंने कभी अच्छे कर्म किए होंगे तभी उनका भाग्य भी साथ दे रहा है, और उसी की वजह से उनकी एक कह सकते हैं अपने साथ जो व्यक्ति लेकर आता है बहुत सारी क्वालिटीज़, उसमें आपके पहले जन्मों के संस्कार में से कुछ संस्कारों का हाथ होता है। ऐसा नहीं है अगर कोई व्यक्ति इस जन्म में आलसी ऐसा है तो ये नहीं है कि वो बहुत बेकार व्यक्ति है, इस जन्म में उसके कुछ बहुत सारे संस्कारों में से कुछ संस्कारों की वजह से इस जन्म में उसको कुछ टेंडेंसी वो लेके आया है इसमें, पर अगर वो प्रयत्न करता है तो अगले जन्म में वो फिर से बहुत अच्छी जगह जन्म पा सकता है, और इसी जन्म में भी अपने कार्यों से, अपने कर्म से अपनी डेस्टिनी को बदल भी सकता है और उससे कहीं आगे निकल भी सकता है। पर वो सब कुछ तभी हो पाएगा जब वास्तव में व्यक्ति अपने आप को बदल के अच्छे रास्ते पे चले, दूसरों पे अच्छी भावना से किसी अच्छे कौल की तरफ चले, तभी ये हो पाएगा, तभी हो सकता है। अब अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु की हमने सारी दृष्टियों की बात की, शनि की भी बात की, राहु की बात करें तो एक दृष्टि लग्न पर है, भ्रम पैदा करेंगे, गलत फहमी पैदा करेंगे और एगो को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, तो एगो का ध्यान रखना है। गुस्से को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे, राहु आदमी में गुस्सा ला सकते हैं, ऊपर से बुध पे जो है साथ राहु हैं तो वाणी का ध्यान रखें, और मंगल की भी दृष्टि बुध पर है तो वाणी का विशेष ध्यान रखना है किस तरह से आप बोलते हैं। राहु की जो सातवीं दृष्टि है वो गुरु पर पड़ रही है तो अपने गुरुओं के प्रति आदर बनाए रखें, अपने धर्म के प्रति आदर बनाए रखें। आपके धर्म में आपके गुरुओं के पास वो सारा ज्ञान है जिसकी आपकी ज़रूरत है, और जहाँ ज्ञान से ऊपर की जो सीढ़ी आती है वो तो किसी धर्म में नहीं है, जहाँ पे सिर्फ व्यक्ति का क्या कह सकते हैं कि एगो ख़त्म हो जाता है, ज्ञान भी ख़त्म हो जाता है और वो परमात्मा में विलीन हो जाता है, जिसको हम मोक्ष कह लें या कुछ भी कह लें, क्योंकि ज्ञान की एक लिमिट है, उसके बाद तो सिर्फ ईश्वर भक्ति कह सकते हैं, भक्ति का राज होता है ज्ञान से भी ऊपर, पर ज्ञान का बेस, भक्ति का बेस भी एक ज्ञान होता है जब व्यक्ति को समझ में आने लगता है कि उसकी औकात क्या है, मतलब कि वो ईश्वर का पाठ जो जरूर है अहम ब्रह्मास्मि, पर ईश्वर में विलीन होना ही उसकी नियति होती है, ये बात समझ में आ जाती है। तो इसके लिए हम बात कर रहे थे भक्ति की, भक्ति की बात कर रहे थे तो भक्ति की बात में हम ये बता दें कि इष्ट देवता वगैरह जो जैसे होते हैं, आपके लिए अगर बात की जाए तो भगवान शिव की पूजा बहुत अच्छी है, भगवान शिव की पूजा, भगवान गणेश की पूजा आपके लिए बहुत अच्छी है जिन लोगों का तुला राशि या तुला लग्न है। इसके अलावा नवामसा चार्ट में हम देखते हैं आत्मकार का, मतलब वो ग्रह जिसकी सबसे ज़्यादा डिग्री है वो कहाँ पर बैठा है, उससे बारे में घर में कौन सा राशि है या कौन सा ग्रह है, उससे एक आइडिया निकाला जाता है, उसको इससे इष्ट चुना जाता है, आपका इष्ट जो आपको मोक्ष के रास्ते पर ले जाता है, तो इस तरह की बात है। राहु की अगर नवम दृष्टि की बात करें तो वो पंचम भाव पर आ रही है, बच्चों के भाव पर आ रही है, इंटेलिजेंट के भाव पर आ रही है, क्रिएटिविटी के भाव पर आ रही है, तो बच्चों के और आपके बीच
आपके और आपके सबऑर्डिनेट्स के बीच भी थोड़ा सा भ्रम पैदा हो सकता है। राहु जहाँ पे दृष्टि करते हैं भ्रम पैदा करते हैं, उस चीज़ को बढ़ाते हैं। क्रिएटिविटी आप में अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, इंटेलिजेंट आपकी बहुत फर्राटे से वर्क करेगी, पर उसमें थोड़ा सा सेल्फिशनेस आ सकती है, उसमें थोड़ा सा अपने बारे में अपने लाभ को लेकर वो काम करेगी। तो आपको उसको ध्यान रखना कि अपने लाभ के साथ साथ दूसरे का भी लाभ हो, तभी अच्छा है, तभी वो लाभ सकारात्मक है, तभी वो लाभ पॉजिटिव है। सिर्फ अपना ही लाभ हो, दूसरे का नुकसान हो जाए, तो फिर वो लाभ लाभ नहीं है, वो वास्तव में हानि ही है, आज नहीं तो कल। तो इस यह लेके चलिए कि आप जो काम कर रहे हैं उससे आपका भी लाभ हो और दूसरों का भी लाभ हो। इसके साथ साथ प्रकृति जो हमारी माता है, जैसे पेड़ पौधे हो गया, पानी हो गया, आसपास सफाई बनाए रखें, और ये जो भी प्रकृति है उसका ख्याल रखें, पेड़ पौधे लगाएं। ऐसे ही जहां आपका मन, जहां भी जगह मिलती है, इस तरह सार्वजनिक जगह है तो वहां पर आम, नीम, पीपल, बबूल, इस तरह के ऑस्पिशियस अशोक प्लेंट्स प्लांट्स जो बताए गए हैं, आप उनको लगा सकते हैं। ये बहुत पुण्य का काम होता है, पेड़ पौधों को कभी भी बिना बहुत ही बड़ी ज़रूरत के ना काटें। वैसे ही पेड़ पौधे हम लोगों ने ख़त्म कर दिए हैं, तो ये एक अच्छी रेमेडी है। पानी का ख्याल रखें, पानी की ख्याल रखने से धन बढ़ता है। माता लक्ष्मी का प्रतीक है पानी, माता लक्ष्मी के भाई हैं चंद्रमा, और चंद्र जो हैं वो माता लक्ष्मी से जुड़े हुए हैं। ठीक इसी तरह शुक्र भी जल से जुड़े हुए हैं, तो पानी का ख्याल रखना, पानी की जो दिशा है वो भी नॉर्थ बोलते हैं ना, नॉर्थ और पश्चिम, ये सब दिशाएं धन की हैं, एक तरह से धन से जुड़ी हुई हैं। तो पानी का सम्मान करना, पानी का ख्याल रखना, पानी वेस्ट ना करना भी धन बढ़ाता है और चंद्रमा को शुद्ध करता है। अगर हम बात करें आपके राहु की बात की, बुध की भी बात की, कि बुध जो है वक्री रहेंगे 12 तारीख तक, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह इस सब का ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा दूसरे नज़रिए से देखें, जैसे कि गुरु हैं, गुरु आपके छठे भाव के स्वामी हैं, तो छठे भाव के स्वामी आपके तृतीय भाव में आ रहे हैं, तो आपका जो पराक्रम है, आपकी जो वाणी है, आपकी जो अपनी अभिव्यक्ति है, वो थोड़ी सी एग्रेसिव हो सकती है। आप थोड़े से इस तरह से बिहेव कर सकते हैं कि लोगों को शायद वो उतना पसंद ना आए। दूसरा ये भी है कि अगर आप लोगों की मदद करते हैं, अगर आपके कार्य से दूसरों को लाभ होता है, तो यहाँ बैठे गुरु आपका भाग्य बढ़ाएंगे, क्योंकि वो भाग्य भाव को देख रहे हैं। शुक्र की बात करें तो प्रथम स्थान का स्वामी अष्टम में आ रहा है, तो आपका इंटरेस्ट अकल्ट की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ, रिसर्च की तरफ, किसी को जानने की तरफ रहेगा, और ये आपके लिए शुभ भी है। आपका इंटरेस्ट जो है थोड़ा, अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों की बात भी तरफ भी हो सकता है, जैसे गुप्त विद्याएं, गुप्त धन, इसके साथ साथ सेक्स, ऐसी चीज़ें जो हम छुपा के करते हैं, जिसको हम ओपनली नहीं करते हैं, तो ये डिपेंड करेगा आपकी कुंडली के ऊपर, आपकी क्या दशा महादशा चल रही है उसके ऊपर, पर इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। यहाँ ये भी बताता है कि आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से भी मिल सकते हैं ऐसी जगह पर जो ओपन नहीं है, जैसे कि कहीं शॉपिंग मॉल में, या किसी हॉस्पिटल में, या किसी स्कूल में, या किसी चर्च में, अंदर कोई ऐसी जगह जो ढकी हुई है, जो बहुत ज़्यादा लोग वहाँ नहीं जाते, ऐसी जगह आपकी मुलाकात हो सकती है आपके होने वाले पति या पत्नी से, क्योंकि शुक्र प्रेम को दिखाते हैं। पत्नी हो, मतलब लड़का हो या लड़की हो, प्रेम को दिखाते हैं शुक्र। इसके अलावा लड़कियों के लिए गुरु जो हैं वो पति को दिखाते हैं, और लड़कियों के लिए जो गुरु हैं पति को दिखाते हैं, लड़कों के लिए शुक्र जो हैं पत्नी को दिखाते हैं। मंगल का भी कॉन्सेप्ट है, हमारे दक्षिण भारत में मंगल को भी पति से जोड़ा गया है, दोनों से ही देखा जाता है। तो मंगल का बारे में भाव में बैठना, अगर आप स्त्री हैं तो आपके पति अगर आपकी जीवन में नहीं आए हैं, तो ये चांसेस है कि वो बाहर से हो सकते हैं, फॉरेन के हो सकते हैं, और यात्रा के दौरान आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है, या किसी ऐसी चीज़ जो कि जैसे इंटरनेट हो गया, उसके थ्रू आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है इस महीने। तो ये कुछ इंडिकेशन मिलते हैं हमें देखने के बाद। अगर मंगल की स्थिति देखें, वो सप्तम के स्वामी हैं और द्वितीय भाव के स्वामी हैं और छठे भाव में जा रहे हैं, तो एक तो पति पत्नी से थोड़ा सा झगड़ा होने के चांसेस हैं, थोड़ी सी खटपट होने के चांसेस हैं, उनकी सेहत खराब रह सकती है, किसी वजह से कोई दूरी भी आ सकती है, सिंपली काम में बिजी होने की वजह से। चूँकि द्वितीय भाव का स्वामी छठे भाव में आ रहा है, तो धन का थोड़ा सा ध्यान रखें,
पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं वो बड़ा ध्यान से करें, अगर सोच समझ के करें, और हो सकता है तो कम ही करें, बहुत बड़ा ना करें, क्योंकि यहाँ से ये है कि हाँ हो सकता है कि वो उतना मतलब थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए, इस तरह के चांसेस यहाँ से बन रहे हैं, तो इस बात का खास ख्याल रखें। अगर सूर्य की बात करें तो 11वें भाव का स्वामी नवम भाव में आ रहा है, तो बड़े भाई से लाभ हो सकता है, फ्रेंड सर्कल से आपको लाभ हो सकता है, पर उनसे बना के भी रखनी है, जैसा कि हमने बात की थी, गुरुओं से, टीचर से, बड़े भाई से, सीनियर से, उनसे थोड़ा रिलेशन अगर बना के रखते हैं तो उनसे आपको लाभ होने के भी चांसेस हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम शनि की बात करें तो शनि पंचम भाव के स्वामी चतुर्थ में आ रहे हैं, तो आपकी जो इंटेलिजेंट है, आपकी जो बुद्धि है, वो काफ़ी हद तक घर की तरफ रहेगी, घर और माता का खास ख्याल रखना है। इसके साथ साथ आपकी जो विचार हैं उनमें काफ़ी हद तक आपकी फैमिली, घर, ये सब चीज़ें घूमती रहेंगी, इसके इर्द गिर्द ये महीना ज़्यादा जाएगा, और यहाँ बैठकर ये कार्य को भी देख रहा है, दूसरा फोकस रहेगा आपका अपने कार्य पर कि भाई कैसे कार्य में या तो नौकरी मिल जाए, या फिर नौकरी अगर मिल चुकी है तो उसमें कुछ ना कुछ घर, और उसमें काफ़ी टाइम आपका जाने वाला है, फोकस जाने वाला है, आपकी जो बुद्धिमत्ता है वो इस चीज़ में बिजी रहेगी, इस तरह के यहाँ पे योग बन रहे हैं। तो ये था जुलाई का मेरी तरफ से छोटा सा मासिक फल, राशिफल। मुझे आशा है इससे आपको सहायता मिलेगी, आपको ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, इसलिए प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। अपने डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना फेसबुक का, इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है, तो आप चाहें तो लाइक कर सकते, फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।